नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दयानंद है। ये मेरा चैनल है डीआर टेक्नोलॉजी, जहाँ मैं टेक की वीडियो बनाकर हिंदी में अपलोड करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, हमने कुछ वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड कर रखी है और इन फ्यूचर भी मैं अपलोड करता रहूँगा। सो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी डीआर टेक्नोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी डीआर टेक्नोलॉजी सब्सक्राइब कर लें। आज मैं डीआर टेक्नोलॉजी के लिए ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, जिसके अंदर देखेंगे कि अगर आप लोग अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में विंडो 10 यूज करते हो और किसी भी फाइल का अगर एक्सटेंशन पता करना हो तो उसको कैसे शो करेंगे। इसके लिए सिंपल तरीका है, आपको अपने माई कंप्यूटर को ओपन करना है, जिसको हम जिस पीसी बोलते हैं, और किसी भी ड्राइव में जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फाइल नेम एक्सटेंशन नहीं आ रहा। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको व्यू में क्लिक करना है। व्यू में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है फाइल नेम एक्सटेंशन पे। यहाँ पे आप जैसे ही टिक मार्क कीजिएगा, आप देख सकते हैं कि फाइल नेम एक्सटेंशन का नाम आ गया। ये पीडीएफ फाइल है, ये आपको जेपीजी फाइल है। कभी अगर आपको इसको अगर हाइड करना हो तो यहाँ से आपको टिक मार्क हटा दीजिएगा, ये आपको यहाँ दर जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है, फाइल में जाना है, चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, व्यू, ठीक है, बाद यहाँ से हटाना है, अप्लाई, ओके। ठीक है, अगर आपको हाइड करना हो तो सेम प्रोसेस है, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप हाइड कर सकते हैं, या आप यहाँ पे जाके अभी आप हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टिक मार्क नहीं रहेगा तो यहाँ पे आपको टिक मार्क लगाइएगा और अप्लाई करके ओके कीजिएगा तो आपको ये हाइड हो जाएगा। इसके अलावा अगर फीचर कभी कुछ पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछिएगा, जिसका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी जाते जाते आप लोगों से मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि माई डी आर टी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय।